जो है नाला के बाहर में आपको नजर आ रहा होगा, बीच में कहीं पे नाला खुला होगा। सलाम नमस्ते, मैं हूँ दिलीप कुमार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने चैनल ट्रेवल विद दिलीप में। हमने आपको पहले एक ब्लॉग दिखाया था जिसमें आपने देखा था कि जहाँ जहाँ पे सड़कों की क्या कंडीशन है। अभी मैं खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बिल्कुल पूरा फ्लाई ओवर है। और इसके नीचे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाला वहाँ पर है और गंदगी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पूरा। आपको सिर्फ पानी ही पानी यहाँ पर दिख रहा होगा सभी जगह आपको, जबकि नाला बना हुआ है तब भी जो है पानी जो है रोड पे लगा रहता है। आप देख लीजिए एक बार, देखिए आपको सारा जो है पानी जो है यहाँ जो है आप देख सकते हैं वहाँ तक में आपको सारा पानी जो है नाला के बाहर में आपको नजर आ रहा होगा, जबकि नाला यहाँ पे बना हुआ है तब भी पानी बाहर में है। तो ऐसी ही कुछ तस्वीर मैं आपको और आज लेकर के आया हूँ पटना के बेली रोड से, और बेली रोड काफ़ी चमक रहा है जी हाँ। लेकिन अगर जोरदार वर्षा हो जाएगा तो यहाँ पर भी पानी पूरा लग जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा और भी आगे चलेंगे और वहाँ का तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो एक तस्वीर हमने आपको बेली रोड का दिखाया और अभी हम आ चुके हैं दानापुर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो ये पानी है ये सड़कों पर ही लगा रहता है। नाला जबकि बगल में बना हुआ है तब भी पानी सड़कों पर ही लगा रहता है। तो इन सब चीज़ों का जो है बदलाव होना चाहिए, तब कहीं ना कहीं जा कर के हमारा बिहार जो है आगे की ओर बढ़ेगा। जी हाँ, हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा सरकार को कि हम जो है रोड का टैक्स का पैसा देते हैं तो इसलिए हमें जो है अच्छी सड़कें बना करके सरकार दे, ना कि इस तरह का नाला पर पानी लगा हुआ है। दूर तक आप देखेंगे तो सिर्फ आपको पानी ही पानी दिखेगा, इसलिए मैं उतना घूम करके आया हूँ, नहीं तो मैं इधर से ही आता जाता हूँ दानापुर स्टेशन। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए पटना की सड़कों पर। तो आप बताइए कैसे इस सड़क पर लोग जो है इसको पार करेगा। अगर बीच में कहीं पर नाला खुला होगा तो गाड़ी जो हमारा है वो सीधे जो है गड्ढे में गिर जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें, हम लोग रोड का टैक्स का पैसा देते हैं तो हमें अच्छी सड़कें बना करके देनी चाहिए सरकार को। और ये जो है फुलवारी शरीफ और दानापुर रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाला ये एक ब्रिज है, और ब्रिज के नीचे आप पानी देख सकते हैं जैसा हमने आपको बेली रोड पे अभी दिखाया है। जी हाँ, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूर तक पानी लगा हुआ है, मैं सोचा कि मैं इधर से निकल जाऊंगा, बाकी मैं निकल नहीं सकता हूं। अगर बीच में कहीं पर अगर नाला खुला होगा या रोड ख़राब होगा तो हमारी जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं पलट जाएगी और हमें चोटें भी आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों पर आप लोग आवाज़ उठाइए और बताइए कि बिहार को बदलना ज़रूरी है। इस तरह का चीज़ें जो है बिहार में नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं जहाँ तक जाइए वहाँ तक आपको सिर्फ जो है पानी ही पानी दिखेगा। जी हाँ, इसमें बदलाव होना चाहिए और इसके लिए हम और आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे और किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने भाई बहनों का ध्यान रखें और अपने ट्रेवल भी ऐसे ही छोटे बड़े ब्लॉग में आते रहें। जय।